Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, today we will revise our second chapter from our supplementary book, Children at Work. इसको लिखा है गीता बुल्फ ने, अनुष्का रविशंकर ने. अनुष्का रविशंकर पंडित रविशंकर की डॉटर है स्टूडेंट्स, और ओरिजिस सेन ने. ये काफी फेमस राइटर्स हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर चाइल्ड लेबर के बारे में है कि किस प्रकार से बच्चे चाइल्ड लेबर करने के लिए, काम करने के लिए फोर्स किए जाते हैं. एक ऐसे बच्चे की कहानी है इसमें जिसको, जो घर से भाग जाता है और ये यहाँ पे एक गलत कदम उठा लेता है क्योंकि उसके फादर एक ड्रंकर है और वो शराब पी के जितने भी ये भाई बहन हैं उनकी सबकी कमाई छीन लेते हैं, जो भी ये दिन भर कमा के लाते हैं छीन लेते हैं और उनकी शराब पी लेते हैं. स्टूडेंट्स, बेलू अपने फादर की मार डटकार फटकार इन सब से तंग होकर के भाग जाता है और भाग जाता है, पहुँचता है कन्याकुमारी. कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बैठ करके प्लेटफॉर्म पर जब पहुंचता है, उतरता है तो देखता है बहुत ज़्यादा भीड़ है. कोई इधर से बोल रहा, कोई उधर से बोल रहा, कहीं टीवी लगे हैं, कहीं कुछ. तो उसको, उसने ये भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ अपने मेले में ही शायद गांव में जो लगा था उसमें देखी होगी आज तक, अदरवाइज उसने इतनी भीड़ नहीं देखी थी. जब वो घर से भागता है तो वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस में चढ़ जाता है स्टूडेंट्स, और उसमें चढ़ करके ऐसे रिजर्व कंपार्टमेंट में बैठ जाता है जहाँ पर उसके भाग्य से बिना टिकट वो बैठा था तो टिकट चेकर नहीं आता है. जब वो प्लेटफॉर्म पर बैठा होता है तो उसको भूख लगने लगती है. उसने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया था तो उसके पास कुछ पीनट्स थे, जैगरी थी, गुड़ था, ये सब वो खा लेता है. उसी समय पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, उसी के जैसी एक लड़की है स्टूडेंट्स, तो वो उसको आवाज़ लगाती है. उसने लॉन्ग बनियान पहन रखी है और उसने एक थैला भी पीछे लटका रखा है. वो उसको आवाज़ लगाती है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या घर से भाग कर आए हो? तो बेलू सोचता है अपने मन में, अरे इसको कैसे पता कि मैं घर से भाग कर आया हूँ? तब वो कहती है चलो मेरे साथ चलो, यहाँ बैठे बैठे क्या करोगे, और वो बेलू उसके साथ चल देता है. एक ख्याल उसके मन में आता है कि पता नहीं मैं इस लड़की के साथ जाऊँगा तो ये मुझे कहाँ ले जाएगी, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा. परंतु फिर भी वो उसके साथ, क्योंकि उसका कोई चारा नहीं था, कोई रिलेटिव वहाँ कुछ नहीं था, तो वो चल देता है. वो बड़ी मुश्किल से उसको रोड क्रॉस कराती है. जब वो ऊँचे पुल पर चलते हैं तो बेलू देखता है कि बड़े पोस्टर्स लगे हैं और एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर्स लगे हैं. तो वो, तो बेलू से वो लड़की कहती है कि देखो तुम बड़ी सावधानी से चलना, क्योंकि बस यही, यहाँ एक ही डर है कि पकड़े ना जाए. वो देख रहे हो सामने सेंट्रल जेल लिखा है बड़ी सी बिल्डिंग पर. बेलू देख करके डर जाता है, कहता है कि तो मैंने किया ही क्या है जो मुझे पुलिस पकड़ेगी. उसने कहा यार यही तो बात है कि यहाँ कोई कुछ करता नहीं है और पुलिस पकड़ लेती है. और लास्ट में जया, उसको जया होता है उस लड़की का नाम, जया उसको एक मैरिज हॉल के पास ले जाती है. तो जी बेलू खुश हो जाता है कि अरे ये तो मुझे मैरिज हॉल, मैरिज में खाना खिलाने वाली है, अच्छा बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा. परंतु वो उसके पीछे ले जाती है जहाँ पे बहुत बड़ा सा डस्टबिन था, उसमें के आसपास मक्खियाँ मंडरा रही थी, बकरियाँ भी एक केले के लिए, एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रही थी. तो वहाँ पे जया क्या करती है, उस डस्टबिन में कुछ ढूंढने लगती है. तो बेलू कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो वो जया उसके उपास एक केला फेंक देती है, गला हुआ सा केला, कि खा लो उसको. और वो कहता है कि छी मैं इस, ये गंदा खाना खाऊंगा, ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया है. तो वो भी कहती है, जया भी कहती है बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कि मैंने भी आज तक कभी अनटच्ड, टच किया हुआ फूड नहीं खाया है, अनटच्ड ही खाया है. और एक बड़ा उसके तरफ फिर से उछाल देती है. बेलू सोचता है और कुछ खाने के लिए है नहीं, भूख भी तेज लगी है, तो चलो इसी को खा लेता हूँ. और जब वो खा लेता है तो भूख तो और भी लगी थी उसको, बटा उसके पास, जया के पास और उसे कुछ देने के लिए नहीं था. एक और केला निकलता है गला हुआ सा, जो वो खुद खा लेती है. अब जया वहाँ से चल देती है. तो चल देती है तो बेलू को बुलाती है, अब मैंने तुम्हें खाना दिया तो चलोगे नहीं मेरे साथ? तो बेलू उसके साथ चल देता है. तो वो कहता है तुम लेकर के कहाँ जा रही हो? जब बेलू जया के साथ चला जाता है तो वहाँ देखता है कि टायर से और मिट्टी से घर बने हुए थे जो बड़े अजीब दिख रहे थे. ऐसे घर बेलू ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे. स्टूडेंट्स, ये होता है एक अलग ही दुनिया थी उनकी, जो रैग पिकर्स होते हैं. रैग पिकर्स अपना जो कमाते हैं डेली उसी को खाते हैं, तो ये उनकी अलग दुनिया थी. अब इस घर के अंदर जाती है जया
कहती है कि मुझे ये बोरा चेंज करना है क्योंकि ये भर चुका है, अब मैं दूसरा सैक लूँगी। और जल्दी से एक सैक बेलू की तरफ भी उछाल देती है कि चलो, और उसके घर में एक जूते पड़े थे पुराने जो उसने वहीं कहीं से उठाए होंगे, तो वो बेलू को दे देती है कि लो पहनो इनको, चलो काम करेंगे बिना। तो वो कहता है, बेलू क्वेश्चन पूछता है कि तुम इन सब सामान का करती क्या हो, कि मैं ये सब सामान जैक बाजार जग्गू को बेच देती हूँ। और जग्गू क्या करता है कि जग्गू उसको फैक्ट्री में बेच देता है, जो रैक पिकिंग जो ये रैक्स होता है ये सारा क्या रिसाइकिल होता है, और रिसाइकल होकर के इसके नए सामान बनते हैं। तो अब समझ में आ गया उसको बेलू को कि कैसे अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो वो कहती है कि चलो तुम भी काम करो, अदरवाइज खाना नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें खाना खिला दिया, अब आगे से मैं नहीं खिला सकती, तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। अब बेलू कहता है कि चलो ठीक है, जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है मैं इस काम को करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है इसमें एक कमेंट है कि इट मीन्स अच्छा काम ये है कि जब तक इन बच्चों के काम क्या होते हैं, रेस्टोरेंट में काम करना, होटल में बर्तन साफ करना और शॉप पे किसी की हेल्प करना, ये होते हैं चाइल्ड लेबर के वर्क। तो स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जैसा बेलू ने उठाया। ठीक है, और कोई भी सोल्यूशन हो सकते हैं उसके, यही कोई लास्ट फाइनल सोल्यूशन नहीं था कि घर से भाग जाओ, तो हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। लेट अस रीड डिस्कस द क्वेश्चन आंसर नाउ। क्वेश्चन वन इज, बेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, व्हाई? अब जब बेलू प्लेटफॉर्म पर उतरता है तो वो ऐसा लगता है जैसे अभी भी घूम रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। स्टूडेंट्स, आप कभी गाड़ी से उतरे होंगे स्टेशन पर तो आपने भी ऐसा फील किया होगा कि क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे हम ट्रेन से उतर करके अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेन, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो मोशन में होता है और जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम उतरे हैं वो स्टेड होता है, तो इसलिए ऐसा फील होता है। स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, आंसर, बेलू स्टूड ऑन ए प्लेटफॉर्म, बेलू एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था बट फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, परंतु उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी वो चलती हुई गाड़ी में है, बिकॉज हिज लेग्स वर स्टिल वॉबली, क्योंकि उसके जो पैर थे अभी भी लड़खड़ा रहे थे। यूजुअली ही इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ अ मूविंग ट्रेन स्टेज फॉर सम टाइम आफ्टर गेटिंग ऑफ द ट्रेन, प्राय ऐसा होता है कि जब हम ट्रेन से उतरते हैं तो पैर, जो हमारा शरीर है, बॉडी है, वो मूविंग रहती है। व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, उसको दुख किस बात का हुआ, किस बात की दुख फील कर रहा था वो? बेलू फेल्ट मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, बेलू दुख महसूस कर रहा था, दुखी था और एग्जॉस्टेड, थका हुआ भी था, बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, क्योंकि वो दो दिन पहले अपने घर से भागा था। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग एक्सेप्ट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और उसने अब कुछ भी नहीं खाया था पीनट्स और जैगरी के पीस को छोड़कर, इसलिए वो दुखी था और थक चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट, व्हाई? बेलू बिना टिकट के यात्रा करता है, क्यों? बेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय अ टिकट, बेलू बिना टिकट के इसलिए यात्रा करता है क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, टिकट कलेक्टर के अटेंशन से वो कैसे बच गया? आंसर इज, लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में उसका भाग्य से टिकट कलेक्टर चेक करने के लिए आया ही नहीं, दस ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, इस प्रकार से वो टिकट कलेक्टर के अटेंशन से बच गया। व्हाई हैड बेलू रन अवे फ्रॉम होम, बेलू घर से कैसे क्यों भाग गया? बेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हिज फादर यूज्ड टू बीट हिम एवरी डे, बीट मींस पीटना, मारना। बेलू इसलिए भाग गया घर से क्योंकि उसके फादर डेली शराब पीते थे और उसको मारते थे। एवरीथिंग बीट हिम एवरी डे, हिज फादर वुड आल्सो स्पेंड मनी अर्नड बाय बेलू एंड हिज सिस्टर ऑन ड्रिंकिंग, उसके फादर उसकी जो बहन भाई कमाते थे और बेलू कमाता था वो सब छीन लेते थे और ड्रिंकिंग पर उड़ा देते, खर्च कर देते थे। व्हाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, अब बेलू को एक लड़की मिलती है तो वो क्यों सोचता है कि इस लड़की का पीछा मैं क्यों करूं, उसके पीछे क्यों जाऊं सोचता है।
डिसाइड करता है सॉरी ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल बिकॉज ही डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू. वो उस लड़की के पीछे इसलिए चला जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इतने बड़े शहर में इतने बड़ी भीड़ में मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कोई रास्ता नहीं पता होता है. इसलिए उसको और कुछ जब हेल्प नहीं मिलती तो वो उस लड़की के पीछे चला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ. किस किस मटेरियल्स की जो स्ट्रेंज हर्ट्स थी वो बनी हुई थी. द स्ट्रेंज हर्ट्स वर मेड आउट ऑफ मेटल शीट. तो स्ट्रेंज हर्ट्स जो वेलू को लगी वो बनी हुई थी मेटल शीट से, ट्रीज सॉरी टायर्स से, ब्रिक्स ब्रिक्स मिस ईंट ईंटों से, एंड वुड लकड़ी से एंड प्लास्टिक से. कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो. क्या रे वेलू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता था, आप कैसे जान सकते हो. वेलू कैन ओनली रीड तमिल. वेलू केवल तमिल पढ़ सकता था बट नॉट इंग्लिश, इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था. He failed to read the signboard in English. क्योंकि हमें पता है जब बेलू चल रहा था तो वो इंग्लिश में लिखे हुए जो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड थे वो पढ़ नहीं सका. He read Tamil sign central jail. और उसने तमिल में लिखे हुए सेंट्रल जेल को पढ़ लिया. Why does Belu find them strange? बेलू को जो झोपड़ियाँ थी वो स्ट्रेंज क्यों लगी. बेलू found the nuts huts strange because they were made out of all sorts of things. बेलू ने उन झोपड़ियों को इसलिए अजीब बताया क्योंकि लुक्ड लाइक दे कुड फॉल एनी टाइम. वो ऐसी लग रही थी जैसे कि किसी भी टाइम गिर जाएंगी और वो इन सारी चीजों की बनी हुई थी. व्हाइल द हाउसेस वर मेड ऑफ मड एंड पाम ट्रीज लीव्स इन हर विलेज. जबकि उसके घर गांव में जो घर थे वो ट्रीज के पेड़ों के बने हुए थे, जो पाम के लीव्स से उनसे बने हुए थे उसके गाँव में. इस बेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क. जब बेलू को काम मिल गया तो क्या वो खुश था या खुश नहीं था. बेलू वाज अनहैप्पी टू फाइंड वर्क. बेलू खुश नहीं था काम पा करके बिकॉज ही हैड नॉट रन अवे होम टू डिग थ्रू गार्बेज बिन. वो ऐसा काम करने के लिए तो घर से नहीं भागा था. गार्बेज उठाएगा, गार्बेज कूड़े में से गार्बेज उठाएगा. और द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज वीडिंग एंड टेकिंग कॉइंस आउट ऑफ गार्बेज. उसने तो ये काम किया था कि अपने घर में जमीन खोदना, खेतों में काम करना ये सीखा था, उसने ये वाला काम नहीं सीखा था. स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स. आई हैव डिस्कस्ड, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. और स्टेप यू आई होप यू अंडरस्टूड वेल. इसका मॉरल ये है स्टूडेंट्स कि हमें कभी भी घर से कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जो हमें आगे जाकर जिसके बारे में पछताना पड़े. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल दिस क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड. स्टे होम, स्टे सेफ.